पॉकेट, मैं तो बहुत थक गया, चल घर चलते हैं। तू तो जाने वाला है नहीं, लगता है तुझे उठा के ही जाना पड़ेगा, चल। आगे दोनों घूम के। हाँ मम्मी। आ जाओ। हेलो। हेलो अशोक। हाय श्रुति दीदी। वो क्या है ना, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ और घर पे भी कोई नहीं है, तो ओरियो घर पे अकेला पड़ जाएगा, तो क्या तुम उसे एक हफ्ते के लिए अपने पास रख सकते हो? एक हफ्ते के लिए? क्या तुम उसे अपने साथ रखोगे? अरे थैंक यू सो मच। अरे लेकिन तो ठीक है, शाम को ना मैं ओरियो को तुम्हारे घर ले आती हूँ, ठीक है? चलो बाय। मम्मी को कैसे बताऊं कि ओरियो एक हफ्ते के लिए घर पे आ रहा है? जो होगा शाम को देखा जाएगा। नमस्ते चाची जी। हाय अशु। हाय दीदी। नमस्ते श्रुति। आओ ओरियो। आओ ना दीदी, आओ। थैंक यू आशु। वो क्या है ना चाची जी, मैं ना एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ और घर पे भी कोई नहीं है, तो ओरियो घर पे अकेला पड़ जाएगा ना, तो मैंने आशु से बात की है और उसने भी ओरियो को रखने के लिए हाँ कर दी है। क्यों कहा? हाँ, तूने मुझसे पूछे बिना हाँ कैसे कर दी? मम्मी मैं क्या करता, दीदी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है ना, तो ओरियो बेचारा अकेला पड़ जाता, तो इसलिए मैंने हाँ कर दी। तो मैं क्या करूँ, तू तो स्कूल चला जाएगा, इन दोनों को तो मुझे संभालना पड़ेगा ना। मम्मी एक हफ्ते की तो बात है, प्लीज। नहीं, मैं नहीं संभालूंगी। क्या? कुछ नहीं दीदी, मम्मी को ना डॉग्स बहुत पसंद है, तो हम आराम से ओरियो को एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ओरियो भी बहुत चाहता है, वो किसी को तंग नहीं करता। अच्छा तो मैं चलती हूँ। आशु इसमें ओरियो के खाने का सामान है। ठीक है दीदी। थैंक यू चाची जी, थैंक यू आशु। बाय बाय। मम्मी जरा पॉकेट को तो देखो, ओरियो को देख के कितना डर रहा है वो। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा श्रुति दीदी कह रही थी कि 4 बजे ओरियो के घूमने का टाइम होता है, तो तुम पॉकेट और ओरियो दोनों को साथ में घुमा के ले। ठीक है मम्मी। ओरियो एंड पॉकेट, तुम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड बन के रहना और बिल्कुल भी लड़ाई मत करना, ठीक है? अब बताओ हम लोग कहाँ घूमने चलें? आ गया बेटा, हो गई दोनों में दोस्ती? हाँ मम्मी, थोड़ी थोड़ी। कोई नहीं, हो जाएगी, आ जाओ।
आशु बेटा हाँ ये लो, ओरियो को स्नैक्स खिला दो और फिर किचन में आके पॉकेट का ले जाना। ठीक है मम्मी। ये लो। चलो ओरियो स्नैक्स खा लो। जाके पॉकेट को भी खिला देता हूँ। आशु बेटा जरा इधर आना। आया मम्मी। पॉकेट खा लिया पेट भर के? मम्मी देखो ना ओरियो कितना तंग कर रहा है पॉकेट को। बेटा पॉकेट को मिक्सअप होने में टाइम तो लगेगा ना, डोंट वरी हो जाएगी दोस्ती। बेटा ओरियो तो बड़ा शांत और फ्रेंडली है, लगता नहीं ये पॉकेट को तंग करता होगा। थोड़े पैसे रख लेती हूँ सब्जी के लिए और जाते जाते अनीता को प्रसाद भी दे दूंगी। अरे ये प्रसाद कहाँ गया? खा लिया बेटा खाना? हाँ मम्मी। लाओ दो। सुसु मैंने दोनों को सिखाया था कि सुसु टॉयलेट में जाके करना, पता नहीं दोनों में से कौन होगा, पता लगाना पड़ेगा। ओरियो एंड पॉकेट, मुझे बाहर पैसेज पे किसी का सुसु मिला, एंड ऑफ कोर्स वो तुम दोनों में से किसी एक का ही होगा, तो बताओ किसने वो सुसु किया? Let me guess, कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा गिल्टी नजर आ रहा है? पॉकेट, पॉकेट तूने वो सुसु किया ना? चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी पनिशमेंट दूंगा। मैंने तुझे सिखाया था ना कि घर पे अगर सुसु आए तो टॉयलेट में जाके करना। वेरी बैड, तूने आज बाहर सुसु किया ना? मैंने तुझे सिखाया था कि सुसु टॉयलेट में जाके करना। आज तेरी पनिशमेंट है कि तुझे घुमाने नहीं ले जाऊंगा। इसका मतलब ये ओरियो था।
पॉकेट, मुझे पता चल गया कि वो सब ओरियो का किया धरा था। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मम्मी, एटलीस्ट बता के तो आया करो। बेटा, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि इस ओरियो सुधार अभियान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ठीक है मम्मी, मुझे पता है हमें क्या करना है। मम्मी, मैं और पॉकेट ओरियो को अच्छे से समझा के आते हैं। चल पॉकेट। बेटा, जो भी करोगे ना, सोच समझ के करना। डोंट वरी मम्मी, मैं ओरियो को बहुत अच्छे से समझा के आऊंगा। चल पॉकेट। मैंने ओरियो को बहुत अच्छे से समझा दिया है। बेटा, क्या किया तुमने? दोनों एक साथ? ये चमत्कार कैसे हुआ? पॉकेट, जा ओरियो के साथ जाके बैठ। हाँ? ओरियो, पॉकेट, अरे दोनों लड़ना बंद करो। ओरियो, मैं तेरा खाना बंद कर दूंगा। पॉकेट, मैं तेरा भी खाना बंद कर दूंगा। ओरियो एंड पॉकेट, अब से तुम दोनों लड़े ना, मैं तुम दोनों को घुमाने ले जाना बंद कर दूंगा। अब से तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे और बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगे, ठीक है? तो ऐसे मैंने दोनों की दोस्ती करवाई। मेरा समझदार बेटा। ओरियो, तू ना कभी नहीं सुधरेगा। ओरियो पॉकेट, चलो घूमने चलते हैं। मम्मी, देखो ना दोनों में कितनी दोस्ती हो गई है। बेटा, मैंने कहा था ना, दोनों में दोस्ती जरूर हो जाएगी।
हेलो हेलो आशु। हाँ श्रुति दीदी, मैं वापस आ गई हूँ और मैं आज शाम 5 बजे ओरियो को लेने आ रही हूँ। ठीक है दीदी, बाय बाय। मम्मी, श्रुति दीदी ओरियो को 5 बजे लेने आ रही है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते श्रुति, आओ। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा चाची जी। चाची जी, ओरियो ने आपको तंग तो नहीं किया? अरे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें ना ओरियो के साथ बहुत मजा आया। ओरियो और पॉकेट ना बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हाँ। वो देखो देखो ना, पॉकेट कितना उदास हो गया है कि ओरियो जा रहा है। चलो चाची जी, अब ओरियो को ले जाने का टाइम हो गया है। ओके, मैं चलती हूँ। ओके बेटा। अरे ओरियो और पॉकेट कहाँ गए? अरे बेटा, उन दोनों की फेवरेट जगह तो सोफा के नीचे है। अरे ये दोनों तो सोफे के नीचे भी नहीं है, टेबल के नीचे होंगे। हाँ, रूम में जाके देखते हैं। हाँ चल। ओरियो पॉकेट, वो तो इस रूम में भी नहीं है। हाँ, बेटा वो दोनों बेड के नीचे बहुत खेलते हैं। आशु जरा देख तो। हाँ मम्मी, वो तो बेड के नीचे भी नहीं है। किचन में होंगे, मैं देख के आती हूँ। मेरा ओरियो। वो तो किचन में भी नहीं है। हाय, मैंने तो आपको उसे ध्यान रखने दिया था। कहाँ गया मेरा ओरियो? मम्मी दूसरे कमरे में देखते हैं। चलो चलो दूसरे कमरे में देखते हैं। मम्मी, मुझे पता है दोनों कहाँ गए होंगे। ओरियो पॉकेट, ये ना दोनों की फेवरेट जगह है। देखो दोनों कैसे भाग के आ गए, मैं तो डर ही गई थी। लगता है दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। क्या बताऊं श्रुति, पहले एक सेकंड भी दोनों को एक साथ रखना मुश्किल हो जाता था। पहले दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते थे और अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। हमारे ओरियो और पॉकेट ना बिल्कुल जय वीरू की तरह हो गए। ओरियो के जाने के बाद पॉकेट बहुत उदास हो जाएगा। पॉकेट को ओरियो की बहुत याद आएगी दीदी। डोंट वरी आशु, मैं ओरियो को पॉकेट से मिलाने लाती रहूंगी, ठीक है? चलो ओरियो, हमें घर जाना है। ओके चाची जी, मैं चलती हूँ। बाय ओरियो। पॉकेट, उदास मत हो,
ओरियो हमसे मिलने आता रहेगा, ठीक है? चल घर चलते हैं। आशु बेटा, पॉकेट। हाँ मम्मी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन? आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे पॉकेट और ओरियो की जोड़ी आपको कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें और कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें टू मोहार्मी।